जैसे कि मैंने आपको बताया आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टोरिंग के लिए, फेस की कॉन्टोरिंग मेकअप के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपके लिए ये स्टेप्स कवर करने वाली हूँ। नंबर वन है कॉन्सेप्ट बिहाइंड कॉन्टोरिंग, कॉन्टोरिंग के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये कॉन्टोरिंग करते हैं, व्हाई डू वी कॉन्टोर, हम अपने फेस को कॉन्टोर क्यों करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे और हम कॉन्टोर क्यों करते हैं। डिफरेंट फेस शेप कॉन्टोरिंग करने के लिए अगला मेन स्टेप होता है कि हमें अपने फेस को शेप को जो हमारे फेस की शेप है उसको पहचानना आना चाहिए कौन सी शेप है, और कॉन्टोरिंग अकॉर्डिंग टू फेस शेप और कॉन्टोरिंग का डिफरेंट फेस शेप से क्या लेना देना है, कॉन्टोरिंग डिफरेंट फेस शेप के हिसाब से कैसे करते हैं, तो ये सारे स्टेप चीजें ये सारे स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, थ्योरी में कवर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी थोड़ी सी वीक रह जाएगी या कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो प्रैक्टिकल करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम में हमें पता नहीं चलेगा इस फेस के हिसाब से कौन सी कॉन्टोरिंग का स्टाइल होना चाहिए, कौन सी शेप पे कौन सा फिट बैठता है, तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्टोरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बिहाइंड कॉन्टोरिंग है क्या, कॉन्टोरिंग इसके लिए आपको एक डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है कि कॉन्टोरिंग का सबसे पहला मेन मकसद ये मेन पर्पज ये होता है कि हमने किसी चीज को शेडिंग करके एक इल्यूजन क्रिएट करना है, उसके फीचर्स को हाईलाइट करना है या दबाना है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई चीज एक प्लेन चीज है या ब्लैंक चीज है उसके ऊपर हमने इस तरह से शेडिंग करनी है, इस तरह से हमने उसके फीचर्स को दबाना या उठाना है कि वो प्रॉपर एक इल्यूजन क्रिएट हो उसको, कि हमने उसको या तो किसी अच्छे फीचर्स हमने हाईलाइट किया है या उसके ऐसे फीचर्स जो हम छुपाना चाहते हैं उसको हमने दबाया है। ये कॉन्सेप्ट है कॉन्टूरिंग के पीछे, ताकि हम उसपे एक कॉन्टूरिंग करके एक शेडिंग करके हम पूरे फेस को ऐसा स्ट्रक्चर दें, ऐसा बेस उसका क्रिएट करें, ऐसे उसकी शेडिंग क्रिएट करें कि जहां जहां पे हमें ऐसे एरियाज को छुपाना है या दबाना है जो हम हाईलाइट नहीं करना चाहते तो वो दब जाए और जो जो एरियाज को हम उठाना चाहते वो एरियाज उठ जाए। सो बेसिकली इट इज टू गिव डायमेंशन टू, इट इज टू गिव इल्यूजन टू योर फेस कि आपके फीचर जैसे हम क्रिएट करना चाहते हैं वैसे ही हैं, जैसे हमें दिख रहे हैं वैसे नहीं है, हमें इल्यूजन क्रिएट कर देना है कि हमारे फीचर, सपोज मैं इसके पीछे आपका ये वाला, ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, एक जो कॉन्सेप्ट है इसका और दूसरा व्हाई डू वी कॉन्टूरिंग, इस पॉइंट को कवर करने के बाद हमारे पास ये पॉइंट आता है कि व्हाई डू वी कॉन्टूर, वो कॉन्टूर हम इसीलिए करते हैं कि सपोज हमारा फेस है, हमारे फेस की चीक्स बहुत उठी हुई है, हम नहीं चाहते बहुत चबी चीक्स लग रही है, हम नहीं चाहते कि इतना चबी चबी चीक्स हमारा लगे, या हमारी जो लाइन बहुत ब्रॉड है वो हम नहीं चाहते कि इतनी बड़ा हमारा फेस लगे, हम चाहते हैं कि उसको एक शेडिंग क्रिएट करके एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करें कि हमारा फेस स्लिम ट्रिम पतला लगे, एक उसमें शेप आ जाए, एक उसका स्ट्रक्चर दिखे हमें जैसा हम क्रिएट करना चाहते हैं, वैसा नहीं कि जैसा वो ऑलरेडी है। तो कॉन्टूरिंग करके ही हम आपके फेस को या अपने फेस को एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं शेडिंग के थ्रू कि हमारा फेस वैसा दिखता है जैसा हम उसको दिखाना चाहते हैं। सपोज किसी का फेस स्क्वायर होता है लेकिन हम उसको ओवल या राउंड दिखाना चाहते हैं, तो हम उसको उस हिसाब से कॉन्टूरिंग करके शेडिंग करते हैं आपके फेस की, वो फीचर्स को इनहेंस करते हैं या कुछ फीचर्स को दबाते हैं जो हम नहीं दिखाना चाहते और कुछ फीचर्स को उभारते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं कि सबकी नजर में आए। तो शेडिंग के थ्रू ही हम ये सब कुछ कर सकते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को जब हम अपने पूरे फेस को एक स्ट्रक्चर देते हैं,
एक शेडिंग देते हैं उसको ही कॉन्टूरिंग कहते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी मेकअप, क्योंकि हमने फाउंडेशन करेक्टर कंसीलर लगा के पूरे फेस को एक तरह से प्लेन कर लिया है, कैनवस की तरह रेडी कर लिया हो, लेकिन उसके फीचर्स अब इनहेंस नहीं हो रहे, हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से फीचर्स कैसे हैं। तो शेडिंग के साथ ही कॉन्टूरिंग के थ्रू ही हम अपनी पूरे फेस को एक शेप दे सकते हैं, स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी चीक्स या जॉलाइन हमारा फॉरवर्ड कैसा है। अब इसी कॉन्टोरिंग के पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट फेस शेप की। हमारे बहुत सारे फेस शेप होते हैं, जैसे राउंड है, ओवल है, लॉन्ग है, डायमंड है, हार्ट शेप है, स्क्वायर है, तो इस तरह के कई के हमारे शेप्स आते हैं आजकल, और भी बहुत सारी रिकग्नाइज हो रही है, ट्राइंगल भी है, हर तरह की शेप हमारे फेस की हो सकती है। तो उन्हीं फेस शेप को थोड़ा सा हमें डिफाइन करना होता है कॉन्टूरिंग के साथ। कॉन्टूरिंग से बेसिकली अगर किसी का राउंड फेस है, हमें इतना राउंड फेस मेकअप में अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने उसके उस पॉइंट्स को दबाना है जिससे वो राउंड लग रहा है, और ऐसे पॉइंट्स को भरना होता है जिससे वो थोड़ा सा ओवल शेप लगे। बेस्ट शेप जो होती है मेकअप के लिए वो ओवल मानी जाती है। अगर किसी का फेस ओवल शेप है तो मेकअप परफेक्ट होता है, क्योंकि हमने चाहे वो स्क्वायर शेप हो, डायमंड हो, राउंड हो, कोई भी शेप आपके फेस की, हमने उसको कॉन्टूरिंग करके, हाइलाइटिंग करके बेसिकली कन्वर्ट करना होता है ओवल शेप में। तो ओवल शेप बेस्ट शेप होती है। ओवल शेप में हमारे फीचर्स थोड़े तीखे लगते हैं, लॉन्ग हो जाता है, ओवल हो जाता है, तो हमारा फोरहेड बड़ा होकर चिन तक आते आते वो स्लिम हो जाता है, सो दैट इज दी ओवल शेप। तो बेस्ट होती है मेकअप के लिए, क्योंकि हमने स्क्वायर शेप को भी हाईलाइट कॉन्टूरिंग ये सब कुछ करके हमने ओवल में कन्वर्ट करना होता है, और राउंड को भी और हार्ट शेप को भी। तो ओवल शेप इसके लिए बेस्ट होती है मेकअप के कॉन्टूरिंग पार्ट्स के लिए। अगर किसी के पहले से ओवल शेप नहीं आता, किसी की तो सेम हो नहीं सकती, और ये जो टॉपिक है बहुत ही सब्जेक्टिव है, हम ये चॉइस नहीं कर सकते कि काश मेरी जो फेस है वो ओवल ही होता, राउंड भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, सो दिस इज टोटली सब्जेक्टिव टॉपिक। तो हम इसके ऊपर ना डिस्कशन करके हम ये कर सकते हैं कि कोई भी शेप हो आपकी, किसी भी तरह की शेप हो, आपको कॉन्टूरिंग इस तरीके से करनी है कि वो आपको एक परफेक्ट ओवल लुक दे सके। सो दिस इज द ऑल टेक्निक बिहाइंड, दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कॉन्टूरिंग, कि आपकी कोई भी शेप हो फेस की, आपको उसको कॉन्टूरिंग करके ओवर लुक दे देनी है, ताकि वो बिल्कुल फिट लगे आपकी लुक के लिए। तो हमने किसी भी तरह की शेप को हम कॉन्टूर करके हम अपने ओवर लुक मेंटेन कर सकते हैं। तो कॉन्टूरिंग अकॉर्डिंग टू फेस शेप, यही टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है कि हम किसी भी शेप को, कोई भी चीज हो, हमने उसको कॉन्टूरिंग के थ्रू हमने एक इल्यूजन क्रिएट कर देना है शेडिंग करके, कि हमारा फेस अलग अलग टाइप का होने के बावजूद भी हमने उसको ओवल लुक मेंटेन कर लिया, उसको एक ओवल लुक दे दी हुई है, एक शेप उसको ओवल में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टूरिंग। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्टूरिंग क्या है। कॉन्टूरिंग इज टू बेसिकली गिव द शेडिंग ऑन दैट एरिया जो आपको थोड़े से प्रेस करने, आपको थोड़े से दबाने, जो आपको हाईलाइट नहीं करने हैं, तो आपको वहां वहां पे उसको कॉन्टूरिंग कर देना है, ताकि वो एरिया थोड़े से शेडिंग में आ जाए, और ऐसा लगे कि हमारी जो लुक है वो स्लिम ट्रिम है, और जैसे हम उसको मेंटेन करना चाहते वैसे दिखे। अब मैं आपको इस चार्ट के हिसाब से बता देती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट फेस शेप के हिसाब से हमारा कॉन्टूरिंग कैसा होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि एक ओवल शेप है, ओवल शेप मैंने आपको बताया कि परफेक्ट होता है, तो जैसा हमारा ये ओवल शेप है, तो इसमें हमें सिर्फ अपनी चीक्स को, हमारी ये जो चीक है इसी को डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर से भी हमारे ठीक है, नीचे से ठीक है, ओवल शेप हमने यही मेंटेन करने होते हैं, तो हमें अपनी ज्यादा शेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अपने सिर्फ चीक्स को ही, ये हिस्से को यहाँ से दबाना है ताकि ऊपर का हिस्सा उठा हुआ लगे। तो हमें थोड़ा सा यहाँ से डाउनवर्ड से अपवर्ड के लिए एक स्ट्रोक्स लेनी है, शेडिंग करनी है, ताकि ये हिस्सा हमारा थोड़ा सा दबा लगे और बाकी सारे पॉइंट्स हमारे उठे हुए लगे। अगला शेप जैसे हमारा है राउंड है, अब हमारा पूरा फेस ही राउंड है, लेकिन हमें एक चपी नहीं दिखना, हमें राउंड नहीं दिखना है, तो हमें उसको ओवर शेप में कन्वर्ट कर दी। जैसे इन्होंने ओवर शेप में कन्वर्ट किया हुआ है, आपको पूरा अपना फोरहेड, अपनी साइड्स, अपनी चीन जॉलाइन और अपनी चीज पे जो शेडिंग करते हैं वो करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो सेंटर का पार्ट है उसमें इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि जो साइड से वो दबी हुई है, इतना किसी का ध्यान नहीं जाएगा, शेडिंग से हमने उसको कॉन्टूरिंग करके हमने उसको दबा दिया हुआ है, वहां भी ज्यादा शेडिंग की वजह से किसी का ध्यान नहीं जाएगा, कि जो पॉइंट्स हमने बीच वाले छोड़े हैं वहीं पे हाईलाइट ज्यादा होके दिखेगा, तो वो एक तरह से ओवर शेप हमें इल्यूजन के रूप में दिखेगी। उसी तरह
लॉन्ग फेस में अगर आप देखोगे कि लॉन्ग फेस है तो हमें फोरहेड को कट करना है, शेडिंग से हम उसको कट कर देंगे। यहाँ पे किसी का ध्यान ना है, चीन को नीचे के पार्ट को हम थोड़ा सा दबा देंगे शेडिंग करके, ताकि ये जो पार्ट्स है हमारे वो हमारे शेडिंग के थ्रू कॉन्टूर के थ्रू दब जाए और इतने ज्यादा प्रोमिनेंट ना लगे। और बीच का पूरा पार्ट चीक्स पे आपको हमेशा कॉन्टूरिंग करनी ही करनी, क्योंकि चीक वाले पार्ट को हमने ऊपर कैसे को उठाना होता है, नीचे कैसे को दबाना होता है शेडिंग करके। इल्यूजन क्रिएट करनी है हमने कि ये हिस्सा हमारा चीक्स का जो डाउन पार्ट है वो हमारा दबा हुआ है और वो स्लिम है, और ऊपर का पार्ट हमारा उठा हुआ है, जिसपे ब्लश है, हाईलाइटर है, ठीक है। तो हर फेस शेप में हमने चीक पे पार्ट पे हमने कॉन्टूरिंग करनी ही करनी है। लॉन्ग में हमने ऊपर से नीचे से उसको कट कर देना है शेडिंग देके। उसी तरह से हमारा डायमंड है, हार्ट है, राउंड है, स्क्वायर है, किसी भी तरह का, ये जो जितने भी फेस शेप आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर हमारा स्क्वायर है तो हमने चारों साइड से उसको कट कर देना है और बिल्कुल एंगुलर शेप में हमने उसको कॉन्टूरिंग करनी है। साइड तो पूरी कवर करनी करनी है और एंगुलर शेप में हमने फोरहेड और साइड्स कट करनी है और चीक्स एरिया हमने कॉन्टूरिंग करने करना, ताकि वो ओवल शेप ले सके। इसी तरह हमने डायमंड में भी और हार्ट शेप में भी यही इफेक्ट देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट डिफरेंट फेस चार्ट पे आपको कॉन्टूरिंग कैसे करनी है। आपको बेसिकली ये फैक्ट अपने दिमाग में रखना है कि हमें कॉन्टूरिंग करके अपने फेस को एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है, ऐसी शेप देनी है ताकि लगे कि सच में यही शेप है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे राउंड हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे डायमंड हो, चाहे वो ओवल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको अपने फेस के ऊपर कॉन्टूरिंग से ये इफेक्ट देना है। जो जो चीजें बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, ये चार्ट तो है आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, तो ये इतना ही है इसको समझाने के लिए, क्योंकि फेस कई तरह के हो सकते हैं, इन सब चीजों का मिक्सर भी हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली इतना समझ लेना है कि अगर इस तरह की शेप्स है तो आपको कैसे कॉन्टूरिंग करनी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बेसिक फंड अपने दिमाग में ये रखिए कि आपको अपने फेस के जो पार्ट नहीं दिखाने, जो आप नहीं चाहते कि ज्यादा विजिबल हो, उस पे डार्क कलर की शेडिंग देनी है, कॉन्टूरिंग करनी है, और जो पार्ट आपको उभार नहीं है, जो विजिबल लगने चाहिए, उसको आपने लाइट कलर देना है, हाईलाइटिंग करनी है। तो अभी हम कॉन्टूरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, अगले वीडियो में आपको हाईलाइटर और मैं ब्रश के बारे में भी बताऊंगी कौन कौन से पार्ट पे हाईलाइट होना चाहिए। तो कॉन्टूरिंग का ये फंडा आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्टूरिंग कौन कौन से टाइप्स में आते हैं हमारे पास। कॉन्टूरिंग हमारे पास प्रोडक्ट क्रीम प्रोडक्ट हो सकते हैं, पाउडर फॉर्म में आ सकते हैं। कॉन्टूरिंग दो तरीके की होती है, या तो हम क्रीम प्रोडक्ट से कर सकते हैं या फिर हम पाउडर प्रोडक्ट से कर सकते हैं, और मैक्सिमम लोग दोनों से ही करते हैं, क्रीम प्रोडक्ट भी करते हैं और पाउडर प्रोडक्ट भी करते हैं। तो इसकी भी स्टेप होती है, सबसे पहले हमेशा हमें कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है तो क्रीम प्रोडक्ट ही यूज करना है। कॉन्टूरिंग में भी आपको सबसे पहले क्रीम कॉन्टूरिंग करनी है, उसके बाद पाउडर कॉन्टूरिंग करनी है, ताकि वो क्रीम कॉन्टूरिंग उसे सेट हो सके। उसके बाद क्रीम कॉन्टूरिंग में हमारे पास अगर हम क्रीम कॉन्टूर लगाते हैं तो ये हमें बहुत ही ग्लो इफेक्ट देता है, ड्यूई इफेक्ट देता है, क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट है तो ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ड्राई स्किन को क्रीम की मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है। तो जितना हम क्रीम प्रोडक्ट उसपे लगाएंगे स्किन उतनी ही हाइड्रेटेड रहेगी और ड्यूई और ग्लोई फिनिश आएगी। तो क्रीम कॉन्टूरिंग के ये आपको बेनिफिट मिलते हैं। और जहां तक ये पाउडर की बात है, पाउडर प्रोडक्ट आपको मैट इफेक्ट देता है। अगर हम पाउडर से कॉन्टूरिंग करते हैं, हमने क्रीम कॉन्टूरिंग किया ही नहीं, हमने डायरेक्टली पाउडर से कॉन्टूर किया हुआ है, तो वो हमें एक मैट इफेक्ट देता है, ग्लोई या फिर ड्यू इफेक्ट नहीं देता, ग्लॉसी ग्लॉसी लुक नहीं आती है। और ये हमेशा ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा, ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी स्किन को जिसमें पहले से इतना ऑयल है, ऑयली है, तो उसको पाउडर की जरूरत होती है। तो ऐसी स्किन वालों के लिए आप पाउडर कॉन्टूरिंग यूज कर सकते हो, क्योंकि उनको पाउडर की जरूरत होती है, ऑयली स्किन को पाउडर ही सेट कर सकता है। तो कॉन्टूरिंग में ये टाइप्स होते हैं, क्रीम में भी आते हैं, पाउडर में भी आते हैं। और अगर आपको दोनों चीजें यूज करनी है तो पहले क्रीम कॉन्टूर कीजिए, उसके बाद पाउडर कॉन्टूर से अपने फेस को सेट कीजिए। अब कॉन्टूरिंग में कौन कौन से शेड्स आते हैं, कॉन्टूरिंग में आपको ब्राउन में सारे शेड्स मिल जाते हैं। आपको हमेशा कॉन्टूरिंग का क्या मतलब होता है, वन शेड डार्कर टू द स्किन, इट हैज ऑलवेज टू बी वन शेड डार्कर। आपको ब्राउन में शेड्स मिल जाते हैं कॉन्टूरिंग के लिए, थोड़े से डार्क होने चाहिए वो, और आपको ब्रॉन्ज भी मिल जाते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे ही ब्राउन फैमिली के ही होते हैं, क्योंकि ये हमारे स्किन के वन शेड डार्कर होने चाहिए, वन शेड डार्कर टू द स्किन।
कोई भी आप शेड चूज करते हो, जो हमारे कॉन्टूरिंग का शेड होता है वो ब्राउन फैमिली का ही होता है, लाइट डार्क ब्राउन या वेरी डार्क ब्राउन या फिर ब्रॉन्ज होता है, तो ये सारे ब्राउन फैमिली ही होते हैं। लेकिन ये हमारे स्किन टोन से, तुम्हारे स्किन टोन से या तो वन शेड डार्क कर लो या फिर टू शेड डार्क कर लो, ज्यादा डार्क लेने नहीं चाहिए। इधर वन शेड डार्क कर, अगर आपके स्किन पे ज्यादा कॉन्टूरिंग की जरूरत है, बहुत चपी फेस है या बहुत ज्यादा स्क्वेयर है, आपको ज्यादा कॉन्टूरिंग चाहिए, तो आप उसको टू शेड डार्क कर भी कर सकते हो। सो इट हैज टू बी वन शेड और टू शेड डार्क कर एंड इट हैज टू बी ब्राउन फैमिली, ब्राउन में ही ज्यादा आते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे फेस के कौन से पार्ट पे हम कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। हम अपने फेस के फोरहेड पे कॉन्टूरिंग करते हैं, चीक्स एरिया पे करते हैं, जो लाइन पे करते हैं और चीन एरिया पे करते हैं। ये मेन पार्ट्स है जहाँ पे हमें कॉन्टूरिंग करनी होती है। एक्सेस में अगर आपको कहीं लगता है कि जरूरत है आप कर सकते हो, बट दीज आर दी मेन पार्ट्स जहाँ पे आप कॉन्टूर करके फेस को एक शेप या स्ट्रक्चर दे सकते हो और एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो शार्प फीचर्स होने के लिए। इनकेस जब भी आप अपने फेस के ऊपर शेडिंग करते हो या कॉन्टूरिंग करते हो तो आपके जो स्ट्रोक्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे आपने चीक्स पे किया तो अपवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, जो लाइन पे किया तो अपवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं तो थोड़ा सा हमारे फेस पे उठी हुई लुक आती है, उभरी हुई लुक आती है। डाउनवर्ड्स में करने से हमारा फेस थोड़ा सा ड्रूपी लगने लगता है, हमारा फेस अगर उठा हुआ लगता है तो थोड़ा सा शार्प फीचर देखते हैं। फोरहेड पे आपको स्ट्रेट और डाउनवर्ड करना है, चीन पे आप स्ट्रेट कर सकते हो। और इसके अलावा नोज कॉन्टूरिंग भी होती है, नोज पे आपको हमेशा स्ट्रेट ही शेडिंग करनी होती है। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स को आप अपने ध्यान में हमेशा रख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे फेस का स्ट्रक्चर करके दिखा रही हूँ कि आपको पता चल सके कि कॉन्टूरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे फोरहेड है, फोरहेड पे आपको कॉन्टूरिंग ऐसे करनी है, चीक्स पे आपको कॉन्टूरिंग ऊपर करनी है अपवर्ड, जो लाइन पे भी आपको कॉन्टूरिंग अपवर्ड करनी है, चीन पे आपको स्ट्रेट करनी है, और जो नोज की कॉन्टूरिंग है वो ऐसे सीधी सीधी आएगी सेंटर के पॉइंट के लिए। तो दीज आर द मेन पार्ट, जैसे आपको उसी स्ट्रोक हिसाब से कॉन्टूरिंग करनी है, यही यही पे कॉन्टूरिंग करते हो, इसी इसी डायरेक्शन में आपको करनी है। इससे हमारा फेस थोड़ा लिफ्ट अप लगेगा और स्लिम लुक आएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मेकअप टिप की। आज का आपका मेकअप टिप ये है कि अगर आपको अपने कॉन्टूरिंग को ज्यादा देर तक टिकाना है तो हमेशा ही पाउडर कॉन्टूरिंग करने से पहले क्रीम कॉन्टूरिंग जरूर करें, क्योंकि क्रीम कॉन्टूरिंग आपके फेस को एक डीप स्ट्रक्चर देता है और उसके बाद जब उसको पाउडर से सेट करते हो सेम शेड के साथ, तो वो उसको और इनहेंस करता है, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अगर आप सिर्फ पाउडर कॉन्टूरिंग करोगे तो वो आधे एक घंटे के बाद थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा, झड़ जाएगा और आपको इफेक्ट ज्यादा नहीं पता चलेगा। इसीलिए पाउडर कॉन्टूरिंग करने से पहले हमेशा क्रीम कॉन्टूरिंग करो, ताकि अगर ऊपर का पाउडर थोड़ा सा शेड ऑफ हो भी जाता है तो नीचे का क्रीम कॉन्टूर वो इफेक्ट वो शेडिंग मेंटेन करके रखेगा ही रखेगा। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा और घर पे प्रैक्टिकल करते अपने ऊपर ही ट्राई करके देखिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बात करेंगे हाइलाइटर और ब्लश के बारे में, तो प्लीज प्लीज सारे वीडियोस को जरूर ध्यान से देखिएगा। और अगर मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां जो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश रखते हैं और वो बन नहीं पाते, इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन सीख कर ही अपने आप को उतना सक्षम बना सके ताकि कम से कम उसके बेसिक नॉलेज बेसिक थ्योरी तो कवर हो सके और अपने आप भी वो बेसिक सेल्फ ग्रूमिंग करना सीख सके। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही।